स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। और मैं सोचता हूँ आप सभी लोग का स्वास्थ्य ठीक होगा, बढ़िया होंगे। ठीक, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए मैं एक आपको एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, उससे आपको इजी लगेगा। मान लो ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, इसे जाने के रास्ते दो हैं, एक पाथ वन और एक पाथ टू। तो अगर आप मान लो पाथ वन पे चल के गए हो, तो आप इसमें एक्चुअल में चले हो, एक्चुअल में इस पाथ पर चले हो, तो डिस्टेंस की जो डेफिनेशन बनती है वो बनती है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस, इज नोन एज डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। ओके। अब अगर आप पहले रास्ते चल के जा रहे हो तो आपकी डिस्टेंस कुछ और होगी। मान लो आपके ये 200 मीटर है या 400 मीटर है, और दूसरे रास्ते शायद हो सकता है कुछ और हो, क्योंकि रास्ता अलग है। एक्चुअल में आप दूसरी डिस्टेंस कवर करोगे, एक्चुअल में आप दूसरी डिस्टेंस कवर करोगे। ठीक, अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या है? मान लो आप घर से चले स्कूल को, शुरू में आप कहां पर थे? इनिशियली आप घर पर थे, होम पर थे, तो ये आपकी होती है इनिशियल पोजीशन। आपकी इनिशियली पोजीशन घर पर थी, और आपकी फाइनल पोजीशन अगर मैं पूरे रास्ते के अराउंड देखूं तो आप फाइनली स्कूल पहुंच गए हो, तो ये आपकी है फाइनल पोजीशन। तो कुल मिलाके आपकी इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, एक तरीके से दो क्या है? पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स हैं, या आपकी इनिशियल पोजीशन या आपकी फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट हमसे कहता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इज नोन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब समझाऊंगा, लेकिन देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं अगर दो पॉइंट्स हैं उनके बीच शॉर्टेस्ट जो पाथ होता है, शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन, दो पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है स्ट्रेट लाइन। अगर आप हल्का सा भी कर्व जा रहे हो तो वो आपका बड़ा होगा। शॉर्टेस्ट का मतलब है दो पॉइंट्स को सीधे सीधे स्केल से मिला दो, सिंपल बात, फिनिश। तो यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्ट्रेट पाथ। और फिर मैंने बताया इसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड से मतलब क्या है? देखो समझिएगा बात को। मान लो आपकी यूनिट मीटर है, जो कि आपकी लेंथ की यूनिट है फंडामेंटल मीटर। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच हमें देखना है कि ये कितनी डिस्टेंस है। हमको पता है हमारी यूनिट क्या है, मीटर। मेरी ये मीटर है, ये एक मीटर है, मैंने ये एक मीटर रखा, फिर ये एक मीटर, फिर ये एक मीटर, फिर ये एक मीटर, फिर ये एक मीटर। मान लो ये मेरा कुल मिलाकर कितना आया, यहां से यहां तक मेरा एक दो तीन चार पांच पार्ट आए। मान लो ये बराबर बराबर हैं, सारे के सारे कितने हैं, एक मीटर, एक मीटर, एक मीटर, एक मीटर। तो मैंने अपने एक मीटर को कितनी बार रिपीट किया यहां से यहां तक नापने के लिए, तो आंसर है एक दो तीन चार पांच बार मैंने एक मीटर को रिपीट किया। कितने टाइम्स? पांच बार रिपीट किया, तो पांच। और किसको रिपीट किया? एक मीटर को, तो फाइव मीटर यहां की डिस्टेंस हुई। तो फाइव क्या है? इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो एक तरीके से मैं बोलता हूं मेरा मैग्नीट्यूड क्या हुआ, रिपीटेशन ऑफ यूनिट। जो भी मैंने यूनिट ली है उसका रिपीटेशन। मैं टाइम नापता हूं, एक सेकंड मेरी पांच बार रिपीट हुई, दस बार रिपीट हुई, तो दस सेकंड हुई, यानी मेरा दस मैग्नीट्यूड हुआ। रिपीटेशन ऑफ यूनिट क्या होती है? मैग्नीट्यूड। अब मैंने यहां मैग्नीट्यूड ये जानबूझकर इसलिए लिखा है, क्यों? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा हमेशा इसकी डायरेक्शन इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर होगी। अगर आपकी इनिशियल पोजीशन घर पर है, फाइनल है स्कूल, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से फाइनल की ओर, माने आपके घर से स्कूल की ओर है। लेकिन अब दूसरा केस देखो,
जब आप स्कूल से घर जा रहे हो छुट्टी के बाद, तब आपका इनिशियल पोजीशन हम घर देखते हैं उस केस में, और फाइनल पोजीशन आपकी फिर से आपसे घर पर है, तो आपकी डायरेक्शन क्या आएगी? आंसर है आपकी डायरेक्शन ये आएगी, घर स्कूल से घर की ओर। यानी सिंपल सी बात, इसकी डायरेक्शन जो होती है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, उसको मैं सिंपल भाषा में बताऊं, इनिशियल टू फाइनल होती है। ये याद करने का भी तरीका है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इफ। इफ मीन्स इनिशियल से फाइनल की ओर, इनिशियल से फाइनल की ओर, इनिशियल से फाइनल की ओर। ओके, अब हम बात करते हैं इनकी यूनिट्स की। डिस्टेंस की यूनिट आपको मालूम है सिंपल मीटर होती है। डिस्प्लेसमेंट की देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या है अपने आप में? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक तरीके से ये भी एक डिस्टेंस है, इसकी यूनिट भी मीटर, ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा आप लेने को किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर कुछ भी ले सकते हो, सिंपल बात हुई। ओके, अब बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे क्या चीज इफेक्ट डालती है, क्या नहीं डालती, या ये किन चीजों पर डिपेंड करते हैं या नहीं करते हैं। देखिएगा, आप इधर समझिएगा, आपका घर, आपका स्कूल, आप पहले रास्ते गए, आपकी डिस्टेंस कुछ थी, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक की डिस्टेंस, सिंपल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन। ओके, अब आपका कोई भाई या आप ही अगले दिन इस रास्ते स्कूल गए, पार्ट टू, आपकी डिस्टेंस कुछ और आएगी, आपकी डिस्टेंस कुछ और आएगी, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट देखिए, तब भी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की स्ट्रेट लाइन था, पहले भी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की स्ट्रेट लाइन था, तो नॉट ही पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो डिस्टेंस होती है वो आपकी रास्ते पर डिपेंड कर रही है कि आप किस रास्ते जा रहे हो। अगर आप एक रास्ते गए 200 मीटर चले, दूसरे रास्ते गए हो सकता है आप 350 मीटर चले, तो डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट, पाथ पर डिपेंड करती है आपकी डिस्टेंस, डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट। जबकि अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट होता है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी डायरेक्शन की, थोड़ी सी डायरेक्शन की। अगर आप लोगों ने नंबर सिस्टम सभी ने पढ़ा है तो आपने सिंपल सी एक लाइन देखी होगी, एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, सेंटर पे मान लिया 0 है, इधर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इधर देखता हूं तो -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से है। तो अगर मैंने देखा मेरा ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स होता है जहां पर हम रुके हुए हैं, हमारा ओरिजिन अगर ये है, तो मैं देखता हूं मेरी ये राइट साइड वाली आ रही है पॉजिटिव, तो मैं लेफ्ट साइड किसको लेता हूं, तो ये होती है मेरी निगेटिव। तो आपको एक बात समझ में ध्यान आनी चाहिए कि पॉजिटिव नेगेटिव कभी कुछ नहीं होता, ये सिर्फ आपकी डायरेक्शन शो कर रही है। अगर आपकी ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ठीक इसके अपोजिट ये डायरेक्शन आपकी निगेटिव है। अगर आपने ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिया तो इसके ठीक अपोजिट यानी पीछे वाली डायरेक्शन आपकी निगेटिव है। अगर किसी ने ये डायरेक्शन लिया पॉजिटिव तो उसके ठीक पीछे वाली डायरेक्शन निगेटिव है। ओके, चलिए अब देखिए एग्जाम्पल इस तरीके से। मान लो ये आपका घर है, स्ट्रेट लाइन में आपके एक फ्रेंड का घर है। ओके, आप यहां से चलते हो 5 मीटर, अब 15 मीटर मान लो अपने दोस्त के घर की ओर। ओके, आपका मैं कहता हूं आपने डिस्टेंस कितनी कवर की, क्योंकि स्ट्रेट रास्ता है, आप 15 मीटर ही चले हो। ठीक, मैं पूछता हूं आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप बोलते हो सर मेरा डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां, इनिशियल से फाइनल कितना है, 15 ही मीटर है, स्ट्रेट लाइन है क्योंकि ये। लेकिन अगर आपने ये डायरेक्शन पॉजिटिव ली है तो आप यहां पर लिख देते हो पॉजिटिव, ओके। लेकिन फिर जब आप वापस घूम के आए हो, आप अपने घर तक आए, लेकिन फिर आप अपने थोड़ा सा और आगे निकल गए किसी दूसरे दोस्त के घर। ठीक, मान लो आप यहां से यहां तक चले 20 मीटर, कितना चले 20 मीटर। तो अब मैं देखो पूरा केस देखे चलता हूं। अब आपने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर ली, आप पहले कितना चले थे एक्चुअल में, चले हो एक्चुअल में 15 मीटर, ठीक है, उसके बाद एक्चुअल में कितना चले हो 20 मीटर, बहुत बढ़िया, तो कुल मिलाकर आपने 35 मीटर आपने एक्चुअल में कवर किए।
पूरे केस के दौरान आपकी देखिए डिस्प्लेसमेंट, मैंने क्या बताया इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस। तो आप देखते हो इनिशियली आप अपने घर पर थे, फाइनली आप अपने दूसरे दोस्त के घर पर हो, यहां से यहां 15 है, इधर ये 20 है, तो ये कितना बचा आपको पता है, ये पता 5, कितना बचा 5। अब अगर ये वाली डायरेक्शन आपने ओरिजिन से इधर वाली पॉजिटिव ली तो इधर वाली नेगेटिव, आपका डिस्प्लेसमेंट सीधे आ गया -5 मीटर। लेकिन इसको हम अलग तरीके से भी करके दिखा देते हैं, ये ऐसा होता है आप पहले चले 15 मीटर, आपने वो डायरेक्शन क्या लिए, आंसर है पॉजिटिव, तो आप पहले चले +15 मीटर स्ट्रेट लाइन की बात करूं, 1 डायमेंशन की। उसके बाद आप वापस अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हो, पहले आप ये डायरेक्शन गए हो, फिर आप इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हो, अपोजिट कितना चले हो 20 प्लस -20, क्योंकि आप बिल्कुल अपोजिट चले हो। अब मैं इसको जरा सॉल्व करता हूं, 15 प्लस माइनस माइनस 20, तो आंसर आता है 15 माइनस 20 -5 मीटर। हेयर माइनस साइन शोज द डायरेक्शन, माने आप अब अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन, पहले आप यहां उधर जा रहे थे, अब आप अपने घर से इधर साइड हो, अपोजिट हो। पहले केस में आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था, यानी आप अपने घर से मान लो राइट पर हो, अब आप अपने घर से लेफ्ट पर हो। तो पॉजिटिव नेगेटिव दिखाती है डायरेक्शन, लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने लायक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ 1 डायमेंशनल मोशन में ही दिखाएगी। 1 डायमेंशनल मोशन से मतलब है जब आप एक स्ट्रेट लाइन में चलोगे, अगर आप स्ट्रेट लाइन में चलते हो आपने ये पॉजिटिव लिया तो उसके ठीक अपोजिट नेगेटिव लोगे, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी अपना रास्ता बेंड कर लिया, आप थोड़ा सा भी डेविएट हो गए, तो फिर वो 1 डायमेंशनल नहीं रहेगा। 1 डायमेंशन मीन्स है स्ट्रेट लाइन में, 1 डायमेंशन में आपके प्लस माइनस डायरेक्शन शो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब केस होता है 2 डायमेंशनल का या 3 डायमेंशनल का, हालांकि 3 डायमेंशनल आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल केस की। तो देखिए सपोज कर लो ऐसे, मान लो आप ऐसे गए 3 किलोमीटर, फिर आप परपेंडिकुलर टर्न ले लिया कहीं को, मान लो ये है आपका 4 किलोमीटर, और आप यहां जाकर आप रुक गए, तो मैं कहता हूं आपकी इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, ओके, ये डबल एरो मींस बाद में चले हैं, ये पॉइंट मैंने ओ मान लिया। तो सिंपल सी बात है, आपने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, एक्चुअल में आप कितना चले हो, पहले आप चले हो आईओ, फिर आप चले हो ओ से एफ तक, मीन्स 3 प्लस 4, ओके 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। अच्छा अब बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की, तो इनिशियल और फाइनल के बीच की स्ट्रेट लाइन मिला दो, मिल गई स्ट्रेट लाइन। अब आपको मालूम है अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस हाइपोटेन्यूस, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, रिलेशन आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया। सिंपल सी बात है, हाइपोटेन्यूस क्या होता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मीन्स अंडर रूट नाइन प्लस 16 मीन्स 5 किलोमीटर। लेकिन ये सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड हुआ, मैंने बताया वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन क्या होगी, क्या मैं पॉजिटिव डायरेक्शन लूं कि क्या मैं लूं नेगेटिव डायरेक्शन। हम पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ तब लेते हैं अगर स्ट्रेट लाइन पे आदमी चलता है, ये स्ट्रेट नहीं थोड़ा सा बेंड हुआ है, थोड़ा नहीं काफी बेंड हुआ है। तो इसकी डायरेक्शन मैंने कभी आपको बताया था, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, इफ मीन्स इनिशियल से फाइनल आपकी डायरेक्शन होगी, आपके किसकी डिस्प्लेसमेंट, ये डायरेक्शन है। अब ये डायरेक्शन देने के लिए मुझको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, जी न्यूज डायरेक्शन आपको मालूम चल गई। अगर मैं देखूं एक सिंपल क्रॉस नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये आपका है ओरिजिन, ओके नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, हमेशा आपने ये अपनी चक्री जो है, चक्री कह लो या चरखी कह लो, इसको आपने इस पॉइंट को आपने ओरिजिन को अपने इनिशियल पॉइंट पे बिठा देना है। तो यहां पर रहता हूं तो इस तरीके से बनता है, आप सभी ध्यान देंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, NEWS। अब ये जो मेरी डायरेक्शन आ रही है किस किस के बीच में है, तो आंसर है ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, ये जो एरो जा रहा है ऊपर को नॉर्थ ईस्ट, तो 5 किलोमीटर डायरेक्शन आ गई नॉर्थ ईस्ट, NE।